अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे प्रॉन्स पेरी पेरी बॉल्स। लेकिन इस रेसिपी को बनाने से पहले मेरे पास एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है। आज 23 अप्रैल है, वोटिंग का दिन है, तो प्लीज सब जाएं वोटिंग करने, इसके बाद ये रेसिपी बनाएं। तो इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम जितने फ्रेश मैंने स्मॉल साइज के प्रॉन्स लिए हैं। इसको आपको अच्छी तरह से साफ कर लेने हैं। तो ये मैंने साफ कर लिए हैं, अगर आपके पास बड़ी साइज के हों तो आप इसको कट कर लें। इसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा। अंडा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी कटी हुई प्याज। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। इन सारे मसालों को हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून जितना ड्राई रोजमेरी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप ना डालें तो भी चलेगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून जितना पेरी पेरी सॉस। ये डालने के बाद हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी की डिटेल्स के लिए प्लीज आप चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिक्स करने के बाद हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इन सारों का मैं बॉल्स बना लूंगी। तो ये बॉल्स बना लिए हैं मैंने। अब मैं मैदे में इसे कोट करूंगी, फिर अंडे में डिप करेंगे और इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे और ये प्रोसेस हम करेंगे 2 मरतबा। और इस तरह से मैं एक टूथपिक से इसके अंदर छोटे छोटे से होल्स बना दूंगी। तो ये सारे मैंने अच्छे से कोट कर लिए हैं, इसकी मैंने डबल कोटिंग की है। इसके लिए मुझे लगे हैं 3 अंडे और 2 कप ब्रेड क्रम्स। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल गरम करेंगे और बहुत ही हल्की आंच पर इन सारे बॉल्स को मैं फ्राई कर लूंगी। आपको फ्लेम बहुत ही हल्की रखनी है, नहीं तो हमारे प्रॉन्स जो हैं वो अंदर कुक नहीं होंगे। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। वापस से टूथपिक लेंगे और इस तरह से इसमें हम होल्स कर लेंगे। और इसे हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये मैंने फ्राई कर लिए हैं सारे, अब इसे मैं निकाल लूंगी और इसके बाद हम इसी तरह से सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे। तो ये रेडी हैं, सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इसके साथ खाने के लिए हम कोई भी चटनी या सॉस आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे चटनी। तो इसके लिए मुझे चाहिए 1/2 कप जितना धनिया, 1/4 कप जितना पुदीना और 2 अजवाइन के पत्ते और 2 टेबलस्पून हम दही लेंगे और नमक डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर में डालकर इसकी चटनी बना लेंगे। नमक डाल देंगे। अब इसे मैं पीस लूंगी, इसकी चटनी बना लूंगी। तो ये रेडी है, चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो ट्राई कीजिए इसे और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर।